रेनू और आप सब कैसे हैं। ये देखिए हमारा बोगनविलिया रेड कलर का कितना क्यूट और कितना खूबसूरत लग रहा है ना पेड़। और इसकी ग्रोथ भी कितनी अच्छी है देख रहे हैं आप। और अगर आप बोगनविलिया में, मैंने कई बार बताया आपसे कि आप पानी कम डालते हैं तो उसमें फ्लावर ज़्यादा आएंगे और लीव्स कम रहेगी। तो देखिए इसमें मैं पानी कम डालती हूँ और इसमें देखिए फ्लावर है और जो बारिश की वजह से झड़ गए हैं फ्रेंड। और ये देखिए हमारा देसी रोज़ है, इसकी ग्रोथ भी अच्छी है और अच्छे से ये मुझे फ्लावरिंग दे रहा है फ्रेंड देखिए। और जैसे ये हमारी वो बन गई, इसको आप यहाँ से तोड़ लीजिए। मैंने कई बार बताया कि इसको अगर आप रखेंगे तो आपका ये बीज बनाने लगेगा फ्रेंड, और ये बीज जब बनाएगा तो ये आपकी ग्रोथ रुक जाएगी फ्रेंड्स। किसी भी प्लांट की आप उसको अगर अब तक फ्लावरिंग चाहते हैं तब तक आप कोशिश ये करिए कि उसमें सीड पॉट्स नहीं बनने पाएँ। वो ये देसी गुलाब है फ्रेंड, इसके भी सीड पॉट बनते हैं और इससे भी प्लांट्स उगते हैं देसी गुलाब के हमारे, मगर उसमें टाइम लगता है 3 महीने 4 महीने 6 महीने का, ऐसा लंबा टाइम लगता है। और ये देखिए हमारा है पर्पल हार्ट, इनका देख रहे हैं फ्रेंड, ये भी ठीक ठाक ग्रोथ पे चल रहा है, नई कटिंग लगी हुई है। और देखिए ये फ्रेंड, ये देखिए हमारा हिबिस्किस है और इसकी भी ग्रोथ ठीक ठाक चल रही है। और देखिए फ्रेंड्स ये हमारा नारंगी का प्लांट है, और देखिए ये देखिए ये देखिए छोटी छोटी नारंगी इसमें लग रही हैं, और इसकी जो उसकी फ्लावर होते हैं उसकी स्मेल बहुत ही अच्छी होती है, भीनी भीनी सी बहुत प्यारी महक होती है, और बहुत प्यारा प्लांट है फ्रेंड। इसमें पेस्टिसाइड का इसमें कीड़े बहुत लगते हैं फ्रेंड। तो देखिए जैसे ये है, ये कीड़ा लग रहा है, ये पूरी पत्तियां खा जाता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिए। और इसमें जो है फंगीसाइड का आप स्प्रे ज़रूर करते रहिए, फंगीसाइड डालते रहिएगा तो आपके प्लांट्स जो है बचे रहेंगे। देख रहे हैं उधर भी है। और देखिए फ्रेंड्स ये हमारा बोगनवेलिया है, कितना प्यारा कलर है इसका, देख रहे हैं ना पिंक से शेड में मिलता हुआ, और ये बहुत अच्छा देखिए किचिस बंचेस में खिला हुआ है, कितना प्यारा लग रहा है ना फ्रेंड्स। देखिए इसको, ये देखिए इसकी बंचेस देख रहे हैं, कितना प्यारा कितना खूबसूरत लग रहा है इसका, प्यारा प्यारा कलर है। और ये देखिए कितने प्यारे से ये खिल रहा है, जब यहाँ से ये खिल चुकेगा ना फ्रेंड्स तो यहाँ से मैं प्रूनिंग कर दूँगी। और अगर इसकी देखिए जो ये कटिंग है ना, अगर आप यहाँ से इसकी कटिंग लेके लगाना चाहें तो ये इजीली ग्रो हो सकती है फ्रेंड, और इस रेनी सीजन में तो ये इजीली ग्रो हो जाता है। देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत लग रहा है, देख रहे हैं फ्रेंड्स बहुत प्यारा लग रहा है, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, पैसे इस कलर में रहता है, फिर धीरे धीरे ये कलर में ये होने लगता है। आप इसमें बनाना पील का फर्टिलाइज़र ज़रूर डालिए फ्रेंड, इसको बनाना पील बहुत ज़्यादा पसंद है फ्रेंड, और बनाना पील का फर्टिलाइज़र आप इसको हफ्ते में दे सकते हैं, और केमिकल फर्टिलाइज़र तो है नहीं फ्रेंड, और इससे हमारे प्लांट्स को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। और पाउडंग दे दीजिए और पानी कम दीजिए फ्रेंड, और बहुत अच्छा प्लांट है, मुझे तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, देख रहे हैं आप अच्छा लग रहा है ना फ्रेंड्स। तो फिर चलते हैं फ्रेंड, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने प्लांट्स का ख्याल रखिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रेंड।